हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और सुबह के ब्रीफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की सुबह थोड़ी सी अच्छी हुई। जहां रेड स्ट्रीट हुआ था वहां थोड़ी सी घास ग्रीन दिख रही है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ग्रीन हुआ पड़ा है। सेंसेक्स अभी 248 पॉइंट ऊपर है, 31638 पे हो रहा है। निफ्टी भी 85 पॉइंट ऊपर है, 9282 पे है। यानी आप कह सकते हैं कि कल की बुरी शुरुआत के हिसाब और कल जितना बुरा रहा इंडियन मार्केट, उसके हिसाब से आज अच्छी शुरुआत है। लेकिन कल की जो रात थी यूएस के लिए, वो भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि वहाँ का मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा टूटा रहा। 3000 पॉइंट तक डॉ कल टूटा, जो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिक था। 15 मिनट के लिए ट्रेड भी रोक दिया गया। खैर, अब इंडिया की तरफ मूव करते हैं। इंडियन मार्केट की हम बात करें तो कल मोदी ने इंडियन ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि इंडिया ग्रोथ जो 2020 की है वो 5.3 के आसपास रहेगी। यस बैंक में अगर हम बात करें तो आज 60% उसका शेयर उठा पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी उस पर बहुत तरह के लॉक इन है, शेयर आप बेच नहीं सकते। और यस बैंक में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई कि सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रशांत कुमार को सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके लिए फंक्शनिंग बोर्डिंग भी दे दी गई है। अब यस बैंक अपनी फुल फ्लेज अपना काम कर सकती है। एक अच्छी न्यूज इसमें यह भी आ रही है कि अमेजोन ने भी कहा है कि उसकी जो मार्केट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने की वजह से 1,00,000 लोगों को हायर करेगा। यानी कहा जा सकता है कि 1,00,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही डिलीवरी में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उछाल आया है, जिसकी वजह से वो ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो कॉफ़ी डे में एक बुरी न्यूज़ आ रही है कि 2,000 करोड़ का अकाउंट मिसिंग है। वहाँ पे अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि 2,000 करोड़ रुपए अकाउंट से मिसिंग है, जिसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, उनको देख रहे हैं कि कैसे ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज का मार्केट अच्छा है, अभी तक तो अच्छी खबर आ रही है, लेकिन कितनी अच्छी यह रह पाती है ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी 31,600 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो कि माना जा रहा है कि ये अभी 29,000 के आसपास भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। शाम में हम फिर से फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ होंगे और एक चार्ट के साथ रहेंगे कि क्या क्या हुआ पूरे दिन में और मार्केट कैसे मूव कर रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।